तो लॉगरिदम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लॉगरिदम्स होते क्या है? तो बेसिकली लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे होता है, ए रेस टू पावर बी इज इक्वल टू सम सी। तो इस केस में जो ये हमको बी दिख रहा है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ए को बेस कहते हैं, और सी इज जो हमको आंसर मिलता है। और उसी तरीके से अगर मैं इस चीज को लॉगरिथम के लिए लिखना चाहता हूँ, जब मतलब कि तो ये कुछ लॉगरिथम में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ऑफ सी बेस ए। तो ये क्या कह रहा है, मैं ए को, ए बेस को किस एक्सपोनेंट से रेस करूँ ताकि मेरे को सी मिले। इस केस में हम ए को बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, तो बेस ऑफ द लॉगरिथम कहते हैं, और इस चीज को ऐसे प्रोनाउंस करा जाता है, लॉग ऑफ सी बेस ए इज इक्वल टू बी। तो जैसे हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट में ए पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ए बिलोंग्स टू 0, ∞। मैटर ऑफ फैक्ट इसमें ए को अगर 0 भी रखेंगे तो उन्हें दिक्कत आती है ना, तो इसलिए 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और इन्फिनिटी पे तो लगता ही है। तो बेसिकली ये चीज ये डिनोट करती है कि ए कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली जब इस चीज को इसमें, और जो हमको सी में से आंसर निकलता है, यू नो सी ऑल्सो बिलोंग्स टू 0, ∞। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, आप तो कुछ भी पॉजिटिव नंबर को जिस मर्जी पावर से रेस करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव ही आने वाला है। तो फिर वही वो फिर सी भी पॉजिटिव रियल ही होने वाला। और उसमें फिर अगर आप सेम चीज को एक्सपोनेंट में एक्सटेंड कर दें, की वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, तो इस केस में यहाँ पर भी ए बिलोंग्स टू 0, ∞ द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, एंड सी बिलोंग्स टू 0, ∞। लेकिन लॉगरिथम फंक्शन में एक दिक्कत आती है। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 पुट करेगा, विच इम्प्लाइज कि 1 लॉग ऑफ सी बेस 1 इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर इसको एक्सपोनेंट्स के टर्म में देखें कि 1 रेस्ट टू पावर बी इज इक्वल टू सी, लेकिन हमको ये पता है कि 1 को जिस मर्जी पावर से रेस करेंगे सी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन अगर ये हो गया तो उस केस में सी 0 से इन्फिनिटी वेरी नहीं कर पाएगी, तो उस केस में बी के कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे हमको। तो फिर ये जो चीज है ये गलत होगी, इसलिए हम लॉगरिथम से डोमेन से ए के लिए 1 को हटा देते हैं। तो बेसिकली जो लॉगरिथम का डोमेन होता है वो फाइनली ये आता है, ए बिलोंग्स टू 0, ∞ -1, एंड सी बिलोंग्स टू 0, ∞। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। तो मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज बताई जाऊंगा। आप ऐसा करिएगा, हर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, उसके बाद थोड़ी देर पॉज करना और उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का ट्राई करना खुद से बगैर सोल्यूशन देखे, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से फाइट मारेंगे, एटलीस्ट हर क्वेश्चन को 10-15 मिनट देना हर प्रूफ को, अगर उसके बाद इन केस नहीं होता तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। लॉग ऑफ ए बेस बी प्लस लॉग ऑफ सी बेस ए प्लस लॉग ऑफ, सॉरी गलती हो गई थी, लॉग ऑफ बी बेस ए प्लस लॉग ऑफ सी बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी इंटू सी बेस ए। इसका प्रूफ, तो लॉगरिथम्स में एक चीज होती है कि ऐसे लॉगरिथम्स के साथ वर्क करना थोड़ा सा कई बार टफ पड़ता है, अगर आपको खासकर चीजें प्रूफ करनी है। तो इन केसेस में एक स्ट्रैटेजी जो बहुत ऑप्टिमम रहती है कि आप लॉगरिथम्स की जगह एक्सपोनेंट से सोचें। तो मान लीजिए लॉग ऑफ ए बेस बी की वैल्यू एक्स है, एंड लॉग ऑफ ए बेस सी की वैल्यू वाई है, एंड लॉग ऑफ बी सी बेस ए की वैल्यू जेड है। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, जो मतलब जो जो प्रूफ करना है टू प्रूफ।
तो जो मेरे पास चीज आती है, ए रेस्ट टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी, मेरे को ये पता, ए रेस्ट टू पावर वाई इज इक्वल टू सी एंड ए रेस्ट टू पावर जेड इज इक्वल टू बी इंटू सी इक्वल टू बी सी, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करता हूँ, वन मल्टीप्लाइड बाय टू, तो मेरे पास आता है ए रेस्ट पावर एक्स इंटू ए रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू बी सी, जिससे आता है ए इंटू रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी सी। लेकिन हमको यह पता है कि बी सी की वैल्यू ए रेस्ट पावर जेड भी है, तो यहां से हम इसको इक्वल टू ए रेस्ट पावर जेड भी लिख सकते हैं। अगर अब हमको ये दो चीजें पता चल गई हैं, तो इससे बहुत ऑब्वियस हो जाता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, पावर्स कंपेयर करके, ये वाली और ये वाली। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ई बेस ए माइनस लॉग ऑफ सी बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ बी बाय सी बेस ए। तो इसको पॉज करके एक बार प्रूफ करने का खुद से ट्राई कीजिए, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, और अगर नहीं हुआ तो प्रूफ लिख देता हूँ मैं। ये कुछ ऐसे, ये काफी सिमिलर है प्रीवियस वाले प्रूफ जैसे, तो अगर वो आप वो एक बार फिर से ट्राई, एक बार ये हिंट लेके वो पिछले वाला एक बार फिर से प्रूफ अच्छे से देखिए, और उसके बाद फिर से ट्राई करिए इनकेस नहीं हुआ। तो इसको प्रीवियस, बिल्कुल प्रीवियस प्रूफ की तरह अप्रोच होगा, एक्स वाई जेड लेके, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ए रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू बी एंड ए रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू सी, है ना, एंड ए रेस्ट पावर जेड इज इक्वल टू बी बाई सी। आई गेस इस पॉइंट के बाद काफी ऑब्वियस होना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ए रेस्ट टू पावर एक्स बाई ए रेस्ट टू पावर वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वाई, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये डायरेक्टली दिखी जाएगा आप में से बात बहुत लोगों को, ये चीज बी बाई सी के बराबर हो जाएगी। और हमको पता है कि बी बाई सी अगेन ए रेस्ट टू पावर जेड के बराबर है, तो यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट करके हम को मिल जाता है, पावर्स कंपेयर करके अगेन वंस मोर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, जो कि हम इनिशियली प्रूफ करना था। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की स्टैंडर्ड ट्रिक होती है, अब तो अगर दो तीन टर्म्स हो, टर्म्स की वैल्यूज एक्स वाई जेड ऐसा करके मान लीजिए, और उसके बाद एक्सपोनेंट्स के थ्रू डील करिए, उसमें बहुत बार ये हेल्प करता है, और बहुत बार खासकर ये बेसिक प्रॉपर्टीज प्रूफ करने में काफी हेल्प करेगा। और फर्दर अगर जो और टफर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करके भी कुछ ना कुछ करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री, लॉग ऑफ बी रेस्ट टू पावर सी बेस ए इक्वल टू सी टाइम्स लॉग ऑफ बी बेस ए। तो अगेन हम फिर से सेम चीज करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स, इस टर्म को मान लेंगे हम वाई। बेसिकली जो मेरे पास आता है वो आता है, जो अगेन इसको वीडियो को पॉज करके प्रूफ करने का ट्राई करिए, छोटा सा हिंट तो दे दिया मैंने आपको। ओके, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका प्रूफ हो समथिंग लाइक दिस, हमको जो प्रूफ करना है वो एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स वाई, ये चीज टू प्रूव है। तो ए वी नो दैट ए रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू बी पावर सी एंड ए रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू बी। तो अब सोचिए इसमें हम और इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, हमको समहाउ बी रेस्ट पावर सी बनाना है वाई और एक्स को कंपेयर करने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट मेथड तो यही है कि ए रेस्ट पावर वाई की पावर ले लेते हैं,
इक्वल टू बी रेस्ट पावर सी आ गया हमारे पास। एंड अगेन हमको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से पता है कि ए रेस्ट पावर वाई रेस्ट होल रेस्ट पावर सी इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर सी इंटू वाई इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर सी। एंड ये चीज इस चीज की इक्वल आ जाती है, ये दोनों इक्वल हैं तो अगेन हमको ये चीज मिल गई। एंड एक्सपोनेंट्स कंपेयर करके वी गॉट अ प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो अभी तक आपको दिख रहा होगा वो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और थोड़ी मुश्किल भी है, तो उससे पहले ये सबको एक बार पुरानी प्रॉपर्टीज के बार रिव्यू करिए। और इन सब प्रॉपर्टीज में आपको एक इक्विवेलेंस दिख रही होगी एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में दिस प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट टू ए रेज़ टू पावर बी इनटू ए रेज़ टू पावर सी इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर बी प्लस सी, क्योंकि प्रूफ में भी ये चीज यूज हुई है एक पॉइंट पे। ये प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट है ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई इस चीज के। एंड दिस प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट टू ए रेज़ टू पावर वाई होल इनटू सी इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर सी वाई। तो अगर आप इस इक्विवेलेंस को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बट लाइक जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द प्रूफ्स वंस मोर एंड फिट इट इनसाइड योर माइंड कि ये सब कैसे हो रहा है। प्रूफ को विजुअलाइज करने का ट्राई कीजिए कि कौन सी चीज कैसे जा रही है, और इन प्रॉपर्टीज को लाइक 100% रट लीजिए, क्योंकि तो इसके प्रूफ इतने जरूरी है जितने प्रॉपर्टीज हैं। आगे लॉगरिथम्स के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इन सब में इनका भर भर के यूज होना। मैं थोड़ा सा एंडिंग की तरफ थोड़े एग्जांपल्स भी कराऊंगा, तो उसके थ्रू क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। ओके, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि काफी यूजफुल रहती है बेस चेंज प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग बी बेस सी बाय लॉग ए बेस सी। तो जैसे कि तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है लॉग बी बेस सी इज इक्वल टू लॉग बी बेस सी डिवाइड बाय लॉग ए बेस सी, और इसमें सी कैन बी एनी बेस, कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन, याद कीजिए जो इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने, हाँ अदर देन वन, क्योंकि जो रियल वन है वो किसी चीज का बेस नहीं हो सकता। तो सी कोई भी लीगल रियल नंबर हो सकता है जो कि परमिटेड है लॉगरिथम फंक्शन के लिए। वो वैसा सोचिए इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको खुद से ट्राई करिए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके, और अगर नहीं हो रहा या फिर हो गया आपको सोल्यूशन एक कन्फर्म करना तो फिर आगे प्रूफ देखना। ओके, तो जो प्रूफ है हमारे पास अगेन हम वही ट्रिक यूज करने वाले एक्स वाई जेड वाले एक्स वाई जेड, ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी सी रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू बी सी रेस टू पावर जेड इज इक्वल टू ए, है ना। और हमको क्या प्रूफ करना है, वाई बाय जेड इज इक्वल टू एक्स। हम इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजियर रहेगा, क्योंकि जो टर्म प्रूफ करते हुए हमेशा जो टर्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो उस टर्म को लेस कॉम्प्लिकेटेड टर्म की तरफ ट्रांसफर करने का ट्राई करिए हमेशा, वो इजी रहता है। जैसे यहाँ पे ये थोड़ी मुश्किल टर्म थी तो इसको मैंने इसमें थोड़ी मुश्किल टर्म थी इसको मैंने इस टर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करा, ये थोड़ी बड़ी टर्म थी तो फिर मैंने इसको छोटी टर्म में कन्वर्ट करा, अगेन ये थोड़ी बड़ी थी इसको छोटी में करा, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ी बड़ी टर्म है इसको छोटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, ये वाली टर्म थोड़ी बड़ी है। तो इसमें हमको ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली अप्रोच करेंगे। तो ऐसे देखिए हमको समहाउ इस चीज को यूज करके ए और बी को रिलेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। इन दो एक्सप्रेशन में जो कॉमन टर्म है वो सिर्फ सी की है, तो हम अगर समहाउ सी को आइसोलेट कर पाए, सी को आइसोलेट करके इन दोनों टर्म्स के बीच में क्वालिटी बना पाए, तो फिर ये आसान हो जाएगा हमारे लिए काम बहुत जल्द। तो फिर वो करने का ट्राई करते हैं। तो सी रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू बी
दोनों साइड पावर वन बाय वाई से रेज करते हैं, तो हमारे पास जो रह जाता है सी इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर वन बाय वाई। सिमिलरली हमारे पास एक ये चीज आ जाता है सी इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर वन बाय जेड। तो गिवन हमारे पास ये आ चुका है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं बहुत आराम से। और उसके बाद मैंने इस टर्म की इक्वल बनाना है इस चीज को, है ना, इस टर्म को सिमिलर बनाना है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर कैसे हो सकती हैं? अगर मैं यहाँ पे बी की पावर को कहीं किसी तरह खत्म कर दूं, तो मैं दोनों साइड को वन बाय वाई वाई से रेज कर दूंगा। हमारे पास जो रह जाता है ए रेज टू पावर वाई बाय जेड इज इक्वल टू बी, जो कि ये और ये टर्म काफी ज्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। तो फिर इसके थ्रू मैं ये बात कह सकता हूँ पावर्स कंपेयर करके, जो कि हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम आती है ये, बहुत बार बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस को काफी आसान कर देगी। जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ, लॉग ऑफ 9 बेस, ऐसे कहिए 2 बेस 4, ठीक है। अभी इस चीज को कैसे करूं मैं, क्योंकि मैं 4 को किस पावर से रेज करूं ताकि 2 आ जाए। ऑब्वियसली इसका आंसर आप सबको पता ही है, हाफ है। लेकिन इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ बेस चेंज प्रॉपर्टी से टू वन बाय, और 2 का स्क्वायर है 4, तो ये तो इजी है, क्योंकि तो हमेशा इंटीजर चीजों से डील करना रिलेटिवली आसान रहता है, रादर फ्रैक्शंस वगैरह में जाना, तो उन सब के लिए काम आएगा। बाकी अगेन इसका यूजेज आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही पता चलेगा इतना ज्यादा हेल्पफुल क्यों है, बस जस्ट एन एग्जांपल। और इनकेस आपको और प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स चाहिए तो फिर मैं वो भी दे देता हूँ, याद है भूल गया था ना। जैसे कि लॉग ऑफ 2 बेस 4 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस 32, क्योंकि 4 into 8 इज इक्वल टू 32। तो ये हमको पता है 2 है, ये 3 है, क्योंकि 2 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 8, और ये हमको पता है 5 है, बिकॉज 2 रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू 32। और ये प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई भी हो रही है। सिमिलरली इस चीज के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, लॉग ऑफ 8 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस 2। ये दिख रहा है आपको कि ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 2 रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू। और जो ये प्रॉपर्टी है इसका देखने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लॉग ऑफ 81 बेस 3, को पता है 81 इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 4, है ना, क्योंकि 81 9 स्क्वायर होता है और 9 3 स्क्वायर है, तो फिर 81 3 रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। एंड बाय दिस प्रॉपर्टी वी नो इज इक्वल टू 4 बेस एंड लॉग ऑफ 3 बेस 3 विच इज इक्वल टू 4, बिकॉज लॉग ऑफ 3 बेस 3 इज 1, क्योंकि ऑब्वियसली 3 को 1 से ही रेस करेंगे ताकि 3 मिल जाए। वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी काफी ज्यादा यूज में आती है, वो है लॉग ऑफ ए रेस टू पावर लॉग ऑफ सी बेस बी इज इक्वल टू सी रेस टू पावर लॉग ऑफ बी बेस ए। तो फिर अगेन इसको प्रूफ करने का ट्राई कीजिए, नहीं हो वीडियो पॉज करके। तो इसका प्रूफ पे आते हैं, अगेन स्टैंडर्ड ट्रिक, इसको एक्स इसको वाई, एक्स और वाई मान लिया हमने, तो बी रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू सी एंड बी रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू ए, है ना। तो फिर अगेन इन दो एक्सप्रेशंस में क्या चीज कॉमन है, बी कॉमन है, बाकी सब चीजें तो डिफरेंट है। तो हम अगेन बी को इक्वेट करने का ट्राई करेंगे, तो पिछले वाले प्रूफ से आपको याद होना चाहिए कैसे करना, सी रेस्ट पावर 1 बाय x इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 1 बाय y, है ना।
तो इस चीज को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि हम ऊपर वाली चीज को रिजेंबल कर पाए। ऊपर वाली चीज क्या है, ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू सी रेस्ट पावर वाई। जिस चीज को प्रूफ करना है हमको भी दिखे रहेगा, जो सबसे ऑब्वियस चीज है जिस एक्सपोनेंट्स पर जिससे मल्टीप्लाई करें वो है एक्स वाई। एक्स वाई क्योंकि एक्स वाई से एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे वाई रह जाएगा, वाई से वाई कैंसिल होके यहाँ पे एक्स रह जाएगा। सो यू नो दैट सी रेस्ट टू पावर वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एक्स। अब जब ये आ चुका है तो इसके थ्रू ये सेम चीज है जो हमको चाहिए थी हेंस प्रूफ। अब इसका एग्जांपल, ये काफी ही स्ट्रांग प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए मेरे पास है 8 log(2)3। अब अगर मेरे को मान लीजिए क्वेश्चन है कि इस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है मैंने एज अ रियल नंबर के लिए क्या होएगा, तो वो बहुत मुश्किल है निकालना। अगर आप इस क्योंकि आप log(2)3)2 को कैसे ही सॉल्व करेंगे, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। तो वो करने के लिए बट इस प्रॉपर्टी को अगर आपको याद है तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी से हमको क्या पता चलता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर log(8)2। और 8 बेस 2 की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि 8 2 3 है, जो कि काफी सिंपल है। इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 3, इस चीज की वैल्यू 3 है। और 3 रेस्ट टू पावर 3 की वैल्यू भी पता ही है, 27। तो फिर हमने एक हिस्ट्री प्रॉपर्टी को यूज करके बहुत सिंपल कर लिया अपना क्वेश्चन। दे अभी तक आपको सबसे उन सब में सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी शायद ये ही लगी होगी, बट हाँ और ये काफी काम आने भी वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज देख रहे हैं हम, ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम्स। तो ग्राफ एक ऐसी चीज है जो कि नेसेसरली शायद इतना डायरेक्टली इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ग्राफ्स के थ्रू बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। ये काफी सारी इनइक्वालिटीज वगैरह के क्वेश्चन आप अगर ग्राफ से एनालाइज करेंगे तो सोचना आसान पड़ जाता है। प्लस डोमेन डोमेन वगैरह का भी थोड़ा दिखता है कि कैसे 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 सोचा जा सकता है। तो मान लीजिए मैं मानता हूँ वाई इज इक्वल टू log(x)(a) वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लॉग के दो टाइप का ग्राफ्स बनते हैं। तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके शो करूंगा। तो हमको ए एक कांस्टेंट है और एक्स एक्स को मैं वेरी करूंगा जिससे वाई की वैल्यू मिलेगी मेरे को। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एंड नाउ मेरे को पता है एक्स बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी, है ना। अब ऐसे सोचिए, ए को मान लीजिए एक थोड़ी देर के लिए 2 है, ये बस टेम्परली कह रहा हूँ। तो तुम्हारा बताइए अब log(2)1 क्या होना चाहिए, इस चीज की वैल्यू log(1)2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम वैसे सोचेंगे कि 2 को किस पावर वाई से रेज करूँ मैं ताकि 1 मिल जाए। तो आंसर बहुत ऑब्वियसली 0 है ना। ये 0 आ गया, ये प्लॉट कर दिया अपन। तो फिर ये एक पॉइंट हो गया, एक्स इक्वल टू हमारा 1 हो गया, वाई इक्वल टू 0, तो 1,0। उसके बाद अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ तो log(2)2, तो ऑब्वियसली 2 को 1 से रेस करूंगा ताकि 2 मिल जाए। तो हमारा x 2 हो गया, y 1 हो गया, तो हमारे पास एक ये पॉइंट है। और अगर मैं हाफ डाल देता हूँ तो इस चीज को मिलता है, जो पॉइंट आता है हमारे पास x = half y = -1, क्योंकि कहीं यहाँ पर रहेगा। और अब ये चीज आपको दिख रही है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ाई जाऊंगा वाई बढ़ी जाएगा, और जैसे 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 एक्स घटेगा वाई भी घटेगा। और हमको पता है कि वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से ∞ तक। तो बाय द एक्सपोनेंट फॉर्म हम ये देख सकते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, माइनस वाई कैन बी एनीथिंग फ्रॉम -∞ टू ∞, है ना, वाइल एक्स वेरीज। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कभी ये, इसका फ्लैट आउट, इसकी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ रेट कम होता रहता है लॉग का, लेकिन हमेशा इंक्रीज करेगा ये। जैसे 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 एक्स बढ़ेगा वाई विल ऑलवेज इंक्रीज, कभी भी घटेगा नहीं। बट
ये इसकी रेट ऑफ इंक्रीज कम हुई रहे कम होता रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड टाइप का ग्राफ बनता है, इफ ए इज लेस देन वन। और ये दो टाइप के ग्राफ क्यों बन रहे हैं, इस पे थोड़ा देर सोच के देखिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि दो टाइप के ग्राफ क्यों बनते हैं। अगर देखा जाए तो अगर मैं कोई वन से छोटी छोटा बेस लेता हूँ, जैसे कि हाफ, तो जैसे जैसे मैं हाफ की पावर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे, मान लीजिए हाफ रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स है, जैसे जैसे हाफ की पावर बढ़ाऊंगा मैं वैसे वैसे एक्स घटेगा। एज इन द अदर केस टू की पावर वाई इक्वल टू एक्स होता है, तो जैसे जैसे टू की पावर बढ़ा रहा हूँ एक्स भी बढ़ता है, तो इसके कारण यहाँ पे उल्टा ग्राफ बनने लग जाता है। तो अगेन यहाँ पे एक चीज कॉमन रहती है कि लॉग ऑफ, हम जो ग्राफ बन रहा है हमारा ए बेस वाई एक्स इक्वल टू वाई, जिस चीज का हमारा ग्राफ बन रहा है वो यहाँ पर ये पॉइंट अभी भी कॉमन रहेगा, क्योंकि कोई फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल बेस है उसको भी अगर आप उसकी पावर जीरो करते हैं तो फिर वन ही आंसर आते हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा 1,0। उसके बाद अगर मैं हाफ की पावर माइनस माइनस वन करता हूँ तो आई गेट टू, है ना, तो फिर इस वाले नोटेशन में हमारी क्या आ जाता है, लॉग ऑफ टू बेस हाफ इज इक्वल टू माइनस वन, तो जो पॉइंट आता है हमारे पास 2,-1, तो एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आया। और अब मैं जैसे जैसे वाई को एक्स को जीरो की तरफ लेता जाऊंगा ये और बड़ा होता रहेगा वाई, इसको ऐसे सोचिए लॉग ऑफ इसका एक्स को क्या लूँ, मान लीजिए मैं हाफ लेता हूँ, एक्स को हाफ लेता हूँ तो उस केस में वाई वन आ जाता है ना, तो एक हमारे पास ऐसे पॉइंट मिल गया, तो फिर ये कुछ ऐसे जाता है और ये ऐसे करता रहेगा। और इसमें ऐसा है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, और इसमें भी रेट ऑफ चेंज स्लो होता रहेगा, इनिशियली थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे जाते जाते स्लो होता रहेगा ऐसे करके। और इस दोनों ग्राफ में एक चीज जो ध्यान देने वाली है, ये जो ग्राफ है कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस के और पास आता रहेगा, बट इट विल नेवर एवर टच द वाई एक्सिस, क्योंकि अगर वाई एक्सिस को टच कर गया इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास। मान लीजिए ऊपर वाले में देखते हैं क्योंकि ये सोचना ज्यादा आसान रहेगा, मान लो वाई इक्वल टू जीरो कर लिया, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, लॉग ऑफ ए बेस एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉरी हमको एक्स इक्वल टू जीरो मिल गया, तो हम क्या कह रहे हैं, लॉग ऑफ जीरो बेस ए इज इक्वल टू वाई, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि हमको पता है कि जो वाई एक्स का डोमेन है वो बिलोंग्स टू 0,∞, 0 ओपन, मतलब जीरो कभी पहुंच नहीं रहा। और 0 ओपन का क्या मतलब होता है, इट इज नेवर एवर एक्चुअली रीचिंग जीरो, वो 0 के बहुत पास आ जाएगा बट इट विल, वो कभी भी, जैसे अगर आप नंबर लाइन पे सोचेंगे तो अगर वो राइट साइड से आ रहा है तो वो 0 के पास आता रहेगा बट कभी भी एग्जैक्टली 0 पर पॉइंट पर नहीं आएगा, इसलिए ये चीज गलत है, तो ये कभी भी टच नहीं करेगा। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, नेवर टचेस वाई एक्सिस। और आप लोग इस चीज से जानते होंगे कि वाई एक्सिस इज डिनोटेड बाय एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई एक्सिस इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं आप लोग। तो अब हम एक तो हमने एक्स वेरी कर लिया, अब मान लीजिए मैंने दो एज के लिए ग्राफ बनाना है, वो कैसे लगेगा, मान लीजिए मैंने दो ग्राफ बनाने हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए और वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस बी। अब ए कॉमा बी दोनों वन से बड़े हैं, ए और बी दोनों वन से बड़े हैं, और मेरे को ये पता है कि ए बी से बड़ा है, तो फिर इसका ग्राफ कैसा लगेगा,
तो हमको पता है कि दोनों केसेस में 1,0 तो इन दोनों में पॉइंट होना ही होना है ना। तो ये तो दोनों उसमें पॉइंट है। मान लीजिए एक ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, तो एक बार के लिए हम वैल्यूज लिख के देखते हैं। ए को 4 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं। तो एक हमारे पास ग्राफ होता है लॉग ऑफ x/4, और दूसरा ग्राफ होता है लॉग ऑफ, अलग कलर से बनाते हैं, लॉग ऑफ x/2 है ना। तो लॉग ऑफ, तो अभी जो इसमें एक पॉइंट आएगा x, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो जो पॉइंट आएगा 4, x=4 पे, उसके लिए यहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगी, जबकि यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी। और इसके भी में दिख रहा है कि अगर मैं ये वाला ग्राफ में x=4 कहीं यहाँ पर है और इसकी वैल्यू 1 है, तो जो दूसरे कलर में ग्राफ है उसकी वैल्यू 2 होगी। तो ऑलमोस्ट डबल हाइट पर कहीं पर इधर होने वाली है। तो फिर इसका तो इसके थ्रू काफी ऑब्वियस हो जाता है कि हर पॉइंट पे ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि और 2 को, अगर x की वैल्यू है तो उसको पहुंचने के लिए हमको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम वैल्यू पे पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली जितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो ज्यादा ही होगा 4 के कंपैरिजन में। तो उससे ये चीज दिख जाएगी बहुत आराम से। और अगर एक्स लेस देन 1 है तो उस केस में उल्टा हो जाता है चीज। और वो क्यों होता है, वो खुद से एक बार सोच के देखिए, बहुत ऑब्वियस है। अगर आपको ये वाली चीज समझ आ गई वो वाली भी आ ही जाएगी। आई लीव दैट एज अ चैलेंज टू यू। एक हिंट ले लिए, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, जबकि 4 इज ग्रेटर देन 2। ये चीज सोच के शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए थोड़ी सी। और जो अब हम थोड़ी प्रॉपर एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, वो जो ऊपर कराए वो बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब थोड़ी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसके थ्रू निकाल सकते हैं, बट जो ग्राफ्स ग्राफ के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ, ग्राफ के बाद थोड़ा और अच्छे से समझ आने वाली है आपको। तो एक जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सटेंडेड ले देते हैं, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ b/a-1। अब इस चीज का प्रूफ रैदर देन एक्सपोनेंट्स यूज करके जो हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके थ्रू ट्राई करिए। अगर करेंगे तो काफी आसानी से दीजिएगा, काफी इजी है। मैं एक बार पॉज करके ट्राई करी। ओके अब प्रूफ कुछ ऐसे जाता है कि तो हमको ये चीज पता है कि लॉग ऑफ b/a-log c/a इज इक्वल टू लॉग ऑफ b/c। तो मान लीजिए मैं b की जगह ले लेता हूँ a, और c की जगह b ले लेता हूँ। यहाँ पे नहीं सर, a की b की जगह 1 लेता हूँ, c की जगह b, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको पता है कि ये चीज आ जाएगी, लेकिन लॉग ऑफ 1/anything इज 0, क्योंकि आप a को 0 से रेस करेंगे, 0 पावर से रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब a का एक्सपोनेंट 0 होगा। तो फिर ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास क्या बचा, -log ऑफ b/a इज इक्वल टू log ऑफ 1/b/a। उसके बाद एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप ग्राफ से सोचने का ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी ग्राफ के बाद कराई है। क्योंकि ये लाइक आपको इसमें, अगर ये ऑब्वियसली 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 तो अपने डोमेन से ही बाहर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ए और 1/a की वैल्यू अलग अलग होगी। और आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 2 है, 3 है, तो 1/a की वैल्यू 1/2, 1/3 होगी। तो इन दोनों में से एक चीज में से 1 से बड़ी होगी, एक चीज 1 से कम होगी। और हमने ग्राफ में देखा था कि जो 1, ए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है उसमें वो कुछ इस तरीके का आता है, कोई रफ सा स्केच बना रहा हूँ,
और जो ए लेस देन 1/1 का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है। तो इसके थ्रू कुछ आपको दिख रहा है ना कि ये वाला ग्रीन वाला इस ब्लू वाले का नेगेटिव ग्राफ लग रहा है, कि अगर ब्लू वाले ग्राफ को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये ग्रीन वाला आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली उसी इंट्यूशन पे बेस्ड है। अब इसको आप इसको लिख के प्रूफ करने का ट्राई कीजिए। तो अगेन इसका प्रूफ तो हम एक्सपोनेंट्स के थ्रू ही कर पाएंगे, क्योंकि ये अगेन थोड़ा टिपिकल सा वो है। इसको एक्स है, ये वाई है, तो मेरे को पता है 1/a^x = b, एंड मेरे को ये पता है कि a^y = b, है ना। और हमको प्रूफ क्यों करना है? टू प्रूफ x = -y। तो काफी ऑब्वियस है, a^-1 = 1/a, तो विच इम्प्लाइज a^-1 a^x = b, विच इम्प्लाइज a^-x = b, और इसके थ्रू आ जाता है -x = y, या फिर y = -x, x = -y, जो -1 से मल्टीप्लाई करके इस वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसके थ्रू हमको ये वाली चीज मिल गई। और एक और प्रॉपर्टी, ये मैंने इसलिए नहीं कराई पहले क्योंकि ये प्रॉपर्टी टू के सिमिलर है, तो थोड़ा सा अलग से कराना चाहता था मैं, प्रॉपर्टी टू के साथ ही कराना चाहता था। लॉग ऑफ बी बेस a^x = 1/x लॉग ऑफ बी बेस ए, तो इस चीज को हम अगेन एक्सपोनेंट वाली चीज से करेंगे। हम ऑलरेडी एक्स यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो इसको यू और इस चीज को वी मान लेता हूँ। तो मेरे को जो प्रूफ करना है, हाँ सॉरी, इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए प्रूफ करने का, उसके बाद ही देखिएगा। हाँ, तो इसका जो प्रूफ है वह तो जो आगे जो टू प्रूफ आता है वो है u = v/x, एंड वी नो दैट a^x = u = b, एंड a^v = b। तो अगेन इस दो को एक्सपोनेंट्स के टर्म्स कंपेयर करेंगे तो आएगा xu = v, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है और नीचे बेस भी सेम है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट टर्म्स को कंपेयर करना होगा। ये प्रूफ हो गया था हमारा, है ना। तो फिर इसके बाद आता है, अभी तक हमने सारी बेसिक प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, तो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार, हाँ एक लास्ट चीज रहेगी वो एक बार बता देता हूँ, वो जेई एडवांस के लिए इतनी जरूरी नहीं, इट इज मोर ऑफ जेई मेन साइड, वो भी उसमें भी इसमें से भी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं सारे स्लॉट्स मिलाकर, थोड़े कम इम्पोर्टेंट है लेकिन जान लीजिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कई बार। मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक, हाँ तो बेसिकली मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसी चीज है जो कि हिस्टोरिकल रेफरेंस में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इनिशियली लॉगरिथम्स डेवलप हो रहे थे तो हम बेस 10 के लिए कर रहे थे, क्योंकि जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम बेस 10 में ही बेस्ड है। तो हम बेस 10 में बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स वगैरह निकालने के लिए यूज करते थे, क्योंकि मान लीजिए अगर लॉग ऑफ सम एक्स बेस 10 इक्वल टू 2.56 कुछ ऐसा आता है, तो फिर हमको पता है कि एक्स इस चीज के बीच में बिलोंग करेगा। इसका कारण सोचिए, ग्राफ के थ्रू सोचिए, बहुत ऑब्वियसली दिखेगा क्यों। तो ऑब्वियसली यही होगा कि मान लीजिए जैसे वाई की वैल्यू कुछ ऐसे 2.56 है, हमारा एक्स यहाँ पर है ना, और ग्राफ ऐसा जा रहा है, और जो वाई की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है वो यहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1000 है, यहाँ पर 10 है, 100 है, 100, 10^2 10³, कि अगर लॉग ऑफ x/10 = 2 है, x = 10² लॉग ऑफ 10^x = 3 है, x = 10³ = 100 = 1000, तो
एक्स इन दोनों के बीच में होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो एक्स होंगे, अगर एक्स 100 और 1000 के बीच में है, तो ऑब्वियसली एक्स में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 होने वाले हैं। तो मैंटिस और कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज़ को निकालने के लिए काम आते हैं। मान लीजिए लॉग ऑफ, जैसे मैं एक वैल्यू बता देता हूँ, लॉग ऑफ 27 बेस 10 इज इक्वल टू 1.431। तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट से पहले आता है, वन और डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, वन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.431 इज द मैंटिसा। बेसिकली करेक्ट, अगर आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक वैल्यू पूछे तो करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 1 एंड मैंटिसा इज इक्वल टू 0.431। तो जो करेक्टरिस्टिक होता है वो बताता है हमको नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ डिजिट्स, जबकि जो मैंटिसा है वो बताता है जो नंबर की एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में, दी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द नंबर। इसको हम साइंटिफिक फॉर्म की तरह सोच सकते हैं। अगर हम नंबर को जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, जैसे 2, 7, 4, 3, 5 को, जैसा रैंडम सा नंबर है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 10 रेज टू पावर 4, है ना। और अगर हम इस नंबर को लॉग बेस 10 लेंगे, अगर यहाँ पे लॉग बेस 10 लेंगे इस नंबर का, तो हमको 4 पॉइंट कुछ कुछ मिलेगा, है ना। तो जो 4 आएगा, तो इसका प्रूफ कैसे आएगा, तो हम इसको अगेन मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से लिखेंगे, लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ बेस 4, 3, 5, इस चीज की वैल्यू हमको पता है 4 है, प्लस सम एफ लिख देते हैं उस फ्रैक्शन को, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, क्योंकि ये 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है ना। तो फिर अगेन इसको फ्रैक्शन आएगा, तो ये 4 है, वो दैट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ द नंबर की, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने कितना बड़ा है, और फ्रैक्शन डिनोट करते हैं उसका साइंटिफिक फॉर्म, वो जो चीज है मीन 2.7435। क्योंकि तो इसको मैं रेस्ट बार 10 पावर 5 भी कर सकता था, उसके इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाता है, बस वो जो एक्स्ट्रा जीरो लग जाता है, फिर यहाँ पे 5 प्लस है, सेम एफ रहता, एफ सेम रहता, तो एफ वो क्वालिटी नंबर बताते कि लाइक जो मैं कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको जस्ट बताएगा कि बड़ा कितना, और मैंटेसा बताएगा किस टाइप का नंबर है। मैंटेस एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब मैंटेस एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नंबर्स में तो काफी ऑब्वियस है, जो नेगेटिव नंबर्स है उसमें थोड़ी दिक्कत करता है, मतलब जो जो नेगेटिव आंसर आता है, मतलब फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस में क्या सेंस बनता है मैंटेस एंड कैरेक्टरिस्टिक का, क्योंकि देखा जाए तो फ्रैक्शन में भी हम कह ही सकते हैं लॉग बेस 10 1/27, है ना। इसका करेक्टरिस्टिक, इसकी वैल्यू आएगी -1.431। इसमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का क्या मतलब हो, तो अगर आप एक सेकंड के लिए, आपके पास कोई कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर खोलिए, और कैलकुलेटर खोल के 1/27 की वैल्यू डालिए। जो 1/27 की वैल्यू आती है वो आती है 0.037, 037, ऐसे 037 बार आ जाएगा। तो बेसिकली इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक डिनोट्स द नंबर ऑफ जीरोस अकरिंग इन द नंबर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -1 वाली चीज ही बताएगा ना आपको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि किस पावर से रेज्ड है। तो ये जो चीज आएगी आएगी 3.7 समथिंग समथिंग इंटू 10 रेज टू पावर -2, है ना। तो इसका लॉग बेस 10 लूंगा मैं, तो ये -2 प्लस सम लॉग बेस 10 ऑफ 3.7। तो ये जो 3.7 है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, इस पॉजिटिव क्वांटिटी के कारण ये जो नेट वैल्यू है -1.431 आती है। तो इस केस में जो इसका करेक्टरिस्टिक होएगा वो -2 होएगा, और मैंटेसा होएगा 0.431। फ्रैक्शनल टर्म्स में गलती करने का चांस रहता है हमेशा, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, इसका मैंटेसा 0.4, सॉरी,
इस चीज का ऑपोजिट हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 6 9। हाँ, और इसका करेक्टरिस्टिक होगा -2। बेसिकली ऐसा है कि मैंटेसा हमेशा पॉजिटिव ही होएगा, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और जबकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वैसे होएगा, अगर -1 पॉइंट समथिंग है तो फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हुआ, जबकि मैंटेसा उस चीज में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक सॉरी -2 हुआ, और उसका मैंटेसा होएगा उस पूरे नंबर में 2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए है -1.431 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 -1.431 इक्वल टू 0.569। ये चीज इसका मैंटिस होगा रादर देन 0.431। होपफुली ये समझ आ गया होगा। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ मैं एज होमवर्क, इनको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 1, प्रूफ दैट लॉग ऑफ ए बेस एन लॉग ऑफ ए बी बेस एन 1 प्लस लॉग ई बेस ए एंड इंडिकेट परमिसेबल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एन। मतलब इस चीज को प्रूफ कर, आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, और इंडिकेट परमिसेबल वैल्यूज मतलब ए बी और एन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं जो कि अलाउड है डोमेन वाली चीज के कारण से। ओके, क्वेश्चन 2, इफ लॉग ऑफ 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 एंड लॉग ऑफ 3 बेस 10 इज इक्वल टू 0.4771, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2.25 बेस 10। ओके, इसका ए पार्ट दे देते हैं, इसके 2 पार्ट दे देता हूँ मैं। गिवन लॉग ऑफ 34.56 बेस 10 इज इक्वल टू 0.4386, फाइंड लॉग ऑफ 3.456 बेस 10 लॉग ऑफ 0.3456 बेस 10 एंड लॉग ऑफ 0.03004562। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इफ लॉग ऑफ 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 लॉग ऑफ 0.4771, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स इन RT5:200 और 15। और इसके सी पार्ट थोड़ा अलग है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इन 3:-1। ओके, ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिएगा, उसके साथ क्लास अटेंड करते हैं।